तो चले फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपनी क्लास को। और आज किस क्लास में हम लोग जानेंगे जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल फॉर पब्लिक गुड्स। यस, बड़े पब्लिक गुड्स के लिए दो तरह के मॉडल होते हैं, एक होता है जनरल इक्विलिब्रियम और एक होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं जनरल इक्विलिब्रियम की। इस मॉडल को प्रोफेसर सैमुएलसन द्वारा डेवलप किया गया था। तो पेपर में जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भैया पब्लिक गुड्स का जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल क्या है या फिर पब्लिक गुड्स का सैमुएलसन द्वारा दिया गया मॉडल क्या है। और एक क्वेश्चन और बन जाता है और वो क्वेश्चन ये बनता है कि एक इकोनॉमी जब पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स दोनों साथ में प्रोवाइड कर रही हो, क्या बोला मैंने, एक इकोनॉमी जब पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स दोनों साथ में प्रोवाइड कर रही हो तो उस इकोनॉमी में एफिशिएंसी किस प्रकार अचीव की जाएगी। एफिशिएंसी का बच्चों मतलब है परीटो ऑप्टिमलिटी। तो उस इकोनॉमी के अंदर परीटो ऑप्टिमलिटी या फिर एफिशिएंसी किस प्रकार अचीव की जाएगी। एंड परीटो ऑप्टिमलिटी होता क्या है ये ऑलरेडी आपको मैंने पहले ही पिछली वीडियोस में बता रखा है। तो तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल क्या है या फिर सैमुएलसन का पब्लिक गुड्स का मॉडल क्या है या फिर एक इकोनॉमी जब प्राइवेट और पब्लिक गुड्स एक साथ प्रोवाइड करती है तो परीटो ऑप्टिमलिटी की शर्त क्या है। अच्छा एक बात और बताऊं, इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब इकोनॉमी प्राइवेट गुड्स अलग प्रोवाइड कर रही है और पब्लिक गुड्स अलग प्रोवाइड कर रही है तो उनकी एफिशिएंसी कंडीशन क्या है। इट मीन्स इस वाले लेक्चर में तो हम ये पढ़ रहे हैं कि पब्लिक और प्राइवेट जब एक साथ प्रोवाइड करें तब एफिशिएंसी कंडीशन क्या है, और नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा प्राइवेट गुड्स की अलग से एफिशिएंसी कंडीशन क्या है और पब्लिक गुड्स की अलग से एफिशिएंसी कंडीशन क्या है, और उसी चीज को हम लोग बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम की अलग अलग कंडीशन की, और आज की इस क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं जनरल इक्विलिब्रियम की जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट गुड्स को एक साथ प्रोवाइड करवाया जा रहा है और उस मॉडल को प्रोफेसर सैमुएलसन द्वारा दिया गया था। होपफुली इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे इस मॉडल को समझने से पहले कुछ बातें यहाँ पे हमको एज्यूम करनी पड़ेगी, कुछ बातें हमको यहाँ पे एज्यूम ये करनी पड़ेगी कि सबसे पहली बात हमको ये एज्यूम करनी पड़ेगी कि हम एक के सेटिस्फैक्शन को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे के सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। मैं कुछ कह रहा हूँ जरा समझो, हम एक के सेटिस्फैक्शन को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे के सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, जरा हमको समझाओ। तो जरा इस चीज को एक बार यहाँ पे समझने का प्रयास करो। बड़ा दो चीज़ें होती है, आपने पहले भी पढ़ रखा है, जरा एक बार समझने का प्रयास करना बच्चों। एक होता है परीटो ऑप्टिमैलिटी, अगर याद करो बताओ परीटो ऑप्टिमैलिटी क्या होता है। जी परीटो ऑप्टिमैलिटी का मतलब होता है कि हम एक इंसान का अगर फ़ायदा करना चाहते हैं तो दूसरे इंसान का नुकसान होगा, अगर हम किसी व्यक्ति का बेटर ऑफ करना चाहते हैं तो दूसरे इंसान का वर्स ऑफ होगा, तभी जाके परीटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन प्राप्त होती है कि अगर एक इंसान का फ़ायदा करना है दूसरे इंसान का लॉस होगा। लेकिन एक चीज़ हमने और पढ़ी थी याद करो, जिसको हम लोग बोलते हैं परीटो इम्प्रूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं परीटो इम्प्रूवमेंट। और परीटो इम्प्रूवमेंट की अगर बात करूँ तो याद करो परीटो इम्प्रूवमेंट कहता था कि अगर आपको एक इंसान का फ़ायदा करना है तो दूसरे इंसान का लॉस किए बिना भी उसका फ़ायदा हो सकता है, कि अगर एक इंसान का फ़ायदा हो रहा है वो बेटर ऑफ हो रहा है और दूसरे इंसान को कोई भी वर्स ऑफ नहीं हो रहा, उसका कोई भी नुकसान नहीं हो रहा, इसको हमने बोला था परीटो इम्प्रूवमेंट जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल के अंदर। इट मीन्स आज के इस लेक्चर के अंदर जो हमारी पूरी कहानी चलेगी वो परीटो इम्प्रूवमेंट पर बेस्ड है, परीटो ऑप्टिमैलिटी पर बेस्ड नहीं है। परीटो ऑप्टिमैलिटी कहता है एक इंसान का फ़ायदा तभी होगा कि दूसरे इंसान का नुकसान होगा, जबकि परीटो इम्प्रूवमेंट कहता है एक इंसान का फ़ायदा अगर हो रहा है तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि दूसरे इंसान का लॉस हो।
दूसरे इंसान का लॉस हुए बिना भी एक इंसान का फायदा हो सकता है, उसको बोलते हैं परीटो इम्प्रूवमेंट। और इस परीटो इम्प्रूवमेंट के बेस पे ही हम ये बात यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं, इस जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल में हम ये बात एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम एक इंसान के सेटिस्फैक्शन को कॉन्स्टेंट रखेंगे और दूसरे इंसान के सेटिस्फैक्शन को बढ़ाएंगे। इट मीन्स एक का सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है लेकिन दूसरे इंसान का सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट है, उसके सेटिस्फैक्शन में कोई भी कमी नहीं आ रही। क्या भैया ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था एजवर्थ बॉक्स डायग्राम। अगर मैं एजवर्थ बॉक्स डायग्राम की बात करूं और आपको थोड़ा सा एक बेसिक बताऊं तो बेटा मान लो कि ये वाला इंडिफरेंस कर्व है बी का, ठीक है? ये वाला इंडिफरेंस कर्व बेटा मान लो ए का है, बी का नहीं, ए का। ये वाला इंडिफरेंस कर्व है ए का और बेटा मान लो ये वाला इंडिफरेंस कर्व है बी का। अगर बात करूं मैं एजवर्थ बॉक्स की तो इंडिफरेंस कर्व ऑफ ए, इंडिफरेंस कर्व ऑफ बी। अब यहां पे क्या करा, मान लो मैंने ए के इंडिफरेंस कर्व को कांस्टेंट कर दिया, ए के इंडिफरेंस कर्व में कोई छेड़खानी में नहीं करूंगा। अब बताओ अगर मेरे को इक्विलिब्रियम पे आना है तो क्या करना पड़ेगा? जी मेरे को बी के इंडिफरेंस कर्व को आगे लेके जाना पड़ेगा, आगे लेके जाना पड़ेगा। और आगे लेके जब मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा तब मैं अपने इक्विलिब्रियम पे आ जाऊँगा। तो यहाँ पे आपने एक बात देखी कि ए का इंडिफरेंस कर्व मैंने कॉन्स्टेंट रखा और बी के इंडिफरेंस कर्व को आगे बढ़ाया। और बी के इंडिफरेंस कर्व को आगे बढ़ाने का मतलब है, बी के इंडिफरेंस कर्व को आगे बढ़ाने का मतलब है कि बी की सेटिस्फैक्शन बढ़ी जबकि ए की सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट रखी। और इसी बेस पर आज की क्लास हमारी चलेगी, जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल इसी पर बेस्ड है कि एक इंसान के सेटिस्फैक्शन को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे इंसान के सेटिस्फैक्शन को बढ़ाएंगे और परीटो ऑप्टिमैलिटी पर, एफिशिएंसी के लेवल पर या फिर इक्विलिब्रियम के लेवल पर पहुंच जाएंगे। समझ में आ गया? तो होपफुली जो हमारा जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल है वो किस एजम्पशन पर बेस्ड है, किस थ्योरी पर बेस्ड है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको प्रॉपर पूरे इसको इस जनरल इक्विलिब्रियम फॉर पब्लिक गुड्स को, इस मॉडल को प्रॉपर पूरे डायग्राम के थ्रू समझाया जाएगा। लेकिन जितना मैंने अभी समझाया एक बार उसको पढ़ेंगे फिर हम डायग्राम के ऊपर आएंगे। तो देखो क्या लिखा है। जी यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैमविल्सन वॉज द फर्स्ट वन टू डेवलप एन अप्रोच विद इन विच द एफिशिएंसी कंडीशन वर एस्टैब्लिश्ड व्हेन एन इकोनॉमी वुड प्रोवाइड प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स। कि जब इकोनॉमी प्राइवेट और पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करवाती है तो सैमविल्सन ही एक ऐसा इंसान था जिसने बताया कि जब दोनों गुड्स को एक साथ प्रोवाइड करवाया जाएगा तो एफिशिएंसी कंडीशन को, एफिशिएंसी कंडीशन का मतलब है परीटो ऑप्टिमैलिटी को, किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सैमविल्सन, सैमविल्सन के अनुसार वी विल अचीव परीटो ऑप्टिमैलिटी बाय कीपिंग कांस्टेंट यूटिलिटी ऑफ 1% एंड बाय मैक्सिमाइजिंग द यूटिलिटी ऑफ अनदर पर्सन। सैमविल्सन के अनुसार अगर हमको पब्लिक और प्राइवेट गुड्स में एफिशिएंसी को प्राप्त करना है तो एक की सेटिस्फैक्शन को, यूटिलिटी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा और दूसरे की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। आगे बोलता है द जनरल इकोनॉमिक मॉडल कैन बी अंडरस्टैंड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, पीपीसी एंड इंडिफरेंस कर्व। और इस जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल को आज हम समझेंगे पीपीसी के थ्रू और इंडिफरेंस कर्व के थ्रू। इस मॉडल को हम लोग 2x2x2 मॉडल भी कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पर मान रहे हैं प्रोडक्शन के केवल दो फैक्टर हैं, लेबर और कैपिटल। ये हो गए प्रोडक्शन के दो फैक्टर। फिर मान रहे हैं कि हमारे पास केवल दो गुड्स हैं, केवल दो गुड्स हैं। दो गुड्स कौन कौन सी? एक प्राइवेट गुड्स और एक पब्लिक गुड्स। और तीसरी बात यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं कि केवल दो कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी। और चलिए अब इस चीज को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझने का प्रयास करते हैं। तो होपफुली समझ में आ गया होगा ये तीन क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल क्या है पब्लिक गुड्स का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पब्लिक गुड्स का सैमुएलसन ने जो मॉडल डेवलप किया उसको एक्सप्लेन करो। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक इकोनॉमी प्राइवेट और पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करती है तो पेरिटो ऑप्टिमैलिटी की
कैसी कंडीशन जो है एग्जिस्ट करनी चाहिए, परीटो ऑप्टिमैलिटी या फिर एफिशिएंसी किस प्रकार अचीव होगा बताइए। तो चलिए अब इस चीज को हम लोग जो है प्रॉपर डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो पेन कॉपी लेके बैठिए और डायग्राम मेरे साथ आप लोग बनाएंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम डायग्राम की बात करें, जनरल इक्विलिब्रियम फॉर पब्लिक गुड्स के डायग्राम की अगर हम लोग जो है बात करें, तो यहाँ पे तीन आपके डायग्राम बनेंगे। एक आपका बनेगा ये, उसके ही जस्ट नीचे एक पार्ट बनेगा ये, और उसके ही जस्ट नीचे एक पार्ट बनेगा ये। अगर मैं थोड़ा स्मॉल करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपका जो है एक दो तीन, ये तीन पार्ट बनेंगे, तब जाके आपको डायग्राम समझ में आएगा, तब जाके आपका ये मॉडल पूरा क्लियर होगा। ठीक है, अब जरा समझने का प्रयास करना कैसे। सुनिए जी, पार्ट ए, इसको मैंने बोला पार्ट ए, ये जी लिखा है जी, बेटा इस जी का मतलब है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स को शो किया है मैंने जी से, एक्स एक्सिस पे यहां भी लिखा है जी, यहां भी लिखा है जी, यहां भी लिखा है जी। एक्स एक्सिस पे बच्चों क्या आएगा, पब्लिक गुड्स, जबकि इस एक्स का मतलब ये गुड एक्स, ये जो मैंने वाई एक्स पे शो करी है बड़ा, इसको मैंने बोला है प्राइवेट गुड्स। तो ये है मेरी पब्लिक गुड्स और ये है मेरी प्राइवेट गुड्स। ठीक है, चलो पार्ट ए पे आते हैं। पार्ट ए पर हम लोग बनाएंगे पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। पीपीसी हमको दर्शाता है कि एक देश में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ। यस, पीपीसी देश के ओवरऑल प्रोडक्शन को शो करता है कि एक देश में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ। और मान लीजिए कि मैंने ये बनाया एक पीपीसी कर्व, इसका नाम रखा है मैंने टी और टी। तो ये टी से लेकर टी तक बच्चों क्या है, ये टी से लेकर टी तक है बच्चों मेरा पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी पर मैं बनाऊंगा कंज्यूमर ए का इंडिफरेंस कर्व, और पार्ट सी में मैं बनाऊंगा कंज्यूमर बी का इंडिफरेंस कर्व। अब अगर इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो याद रखना हमारी थ्योरी इस एजम्पशन पर बेस्ड है कि एक इंसान के सेटिस्फैक्शन को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे इंसान के सेटिस्फैक्शन को बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर हम कंज्यूमर ए के सेटिस्फैक्शन को कांस्टेंट रखेंगे और कंज्यूमर बी के सेटिस्फैक्शन को किस तरह से मैक्सिमाइज करना है हम उस पर पहुँचेंगे। तो अगर मैं कंज्यूमर ए का इंडिफरेंस कर बनाऊँ तो ठीक है, मान लीजिए कि ये मैंने बनाया आई सी ए, ये बच्चों का बनाया मैंने आई सी ए, ये क्या है जी, ये है कंज्यूमर ए का इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर ए का इंडिफरेंस कर्व। अब ये इंडिफरेंस कर्व कांस्टेंट है और कांस्टेंट होने की वजह से ना तो ये आगे बढ़ेगा और ना तो ये पीछे जाएगा। अगर आप अपनी बुक को देखेंगे, आपके पास जो बुक है, अगर आपके पास बुक में डायग्राम बना है तो बुक में आप डायग्राम देख पाएंगे कि जो इंडिफरेंस कर्व ए बनाए उसके आगे बनाए एक और इंडिफरेंस कर्व डॉट 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 से, और पीछे बनाए एक और इंडिफरेंस कर्व डॉट 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 से। वो डॉट 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 से जो दो इंडिफरेंस कर्व बनाए, एक आगे और एक पीछे, वो ये शो कर रहा है कि इंडिफरेंस कर्व ना तो आगे जाएगा और ना ही पीछे आएगा, वो यहीं पे कांस्टेंट रहेगा। वो डॉट 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 ये शो कर रहा है कि ना तो वो आगे जाएगा ना तो वो पीछे आएगा, वो इंडिफरेंस कर्व यहीं पे कांस्टेंट रहेगा। हमने कंज्यूमर ए के इंडिफरेंस कर्व को कांस्टेंट माना है। चलिए अब यही सेम इंडिफरेंस कर्व उठाकर मैं ऊपर वाले डायग्राम में पार्ट ए में ले जाऊंगा, यही सेम इंडिफरेंस कर्व मैं पार्ट ए में ले जाऊंगा। तो जो इंडिफरेंस कर्व बनाइए, यही सेम इंडिफरेंस कर्व बेटा मान लो मैंने बनाया ऊपर की ओर ये, ठीक है आई सी ए, मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये इंडिफरेंस कर्व और ये इंडिफरेंस कर्व दोनों के दोनों इंडिफरेंस कर्व बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलिए बहुत ही ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करना, इतना आसान नहीं है। चलो ये क्या आ गई आपकी जी, ये आपकी आ गई पब्लिक गुड्स, ये आपकी आ गई प्राइवेट गुड्स, और ये इंडिफरेंस कर्व उठ के ऊपर आ गया। अब जरा मेरी बात को सुनना, मैं कुछ बात कह रहा हूं, होपफुली समझ में आपके आएगी। बेटा याद रखना,
पब्लिक गुड्स जो होती है वो सभी के लिए बराबरी के बराबर सभी के लिए इक्वली अवेलेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 पब्लिक गुड्स बनी, सुनना बात को बहुत ध्यान से, 10 पब्लिक गुड्स बनी, भाई पब्लिक गुड्स 10 कौन सी बनी, अभी रुको बस समझो, 10 पब्लिक गुड्स बनी। अब बताओ एक कंज्यूमर ए है एक कंज्यूमर बी है, उनके बीच वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी? भाई साहब डिस्ट्रीब्यूट कैसे भी नहीं होगी, कंज्यूमर ए को भी 10 मिलेगी, कंज्यूमर बी को 0, 0 नहीं, कंज्यूमर बी को भी 10 मिलेगी। होगी पब्लिक गुड्स वाले केस में एक के कंजम्पशन करने से दूसरे का कंजम्पशन घट नहीं जाता भाई, पब्लिक गुड्स वाले केस में एक का कंजम्पशन करने से दूसरे का कंजम्पशन घट नहीं जाता। अगर ओवरऑल देश में 10 पब्लिक गुड्स बनी हैं तो 10 के 10 ए के लिए भी अवेलेबल है और 10 के 10 बी के लिए भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि ए के पास 10 चली गई तो बी के पास कम रह गई, बी के पास भी 10 ही अवेलेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक पार्क, अब पार्क ए के लिए जितना अवेलेबल है उतना ही सेम अमाउंट में वो बी के लिए भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि ए के लिए अगर अवेलेबल है तो बी के लिए वो कम पड़ गया या बी के लिए अवेलेबल है तो ए के लिए वो कम पड़ गया, ऐसा नहीं है। याद करो पब्लिक गुड्स का एक फीचर है नॉन राइवलनेस। पब्लिक गुड्स क्या होती है? नॉन राइवल, और नॉन राइवल का मतलब है एक के कंजम्पशन करने से दूसरे के कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कोई मूवी देख रहा हूँ और साथ में मेरा भाई भी बैठ के मूवी देखे तो उसके मूवी देखने से मेरे कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे लिए मूवी कम नहीं हो जाएगी। समझ में आ गया, इस बात का ध्यान रखना। अब मेरी बात सुनो, पीपीसी कर्व शो करता है प्रोडक्शन को और इंडिफरेंस कर्व शो करता है एक इंसान ने कितना जो है कंजम्पशन किया। अब जरा मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से, मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने बनाऊंगा, कुछ पॉइंट्स आपके सामने ड्रॉ करूंगा एंड होपफुली वो आपको समझ में आएंगे, ठीक है? अब जरा मेरी बात को समझने का प्रयास करना। देखो बेटा मान लो, अब इंडिफरेंस कर्व ए है, बेटा मान लो कि चलो ये वाला पॉइंट लेते हैं, बेटा मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लो मैंने नंबर दिया 2, ठीक है मैं नंबरिंग दूंगा। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब देखो, अगर मैं इस 2 को ध्यान से देखूं, अगर मैं इस 2 को ध्यान से देखूं तो इस 2 के अगर मैं नीचे आऊं, अगर मैं इसको नीचे लेके आऊं, ठीक है, जो कि मैं इसको नीचे लेके आता हूं, कौन से कलर से लाऊं, कलर थोड़ा चेंज करता हूं, येलो जी पर्पल कलर करता हूं मैं। इस 2 को मैं अगर नीचे लेके आऊं, वेट अ मिनट, हाँ जी, तो बताओ आपने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया कि इस वाले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 2 पर, इस वाले पॉइंट पर जो कंज्यूमर ए है, ये कंज्यूमर ए का डिफरेंस कर्व है ना, जो कंज्यूमर ए है, जो कंज्यूमर ए है इस वाले पॉइंट पर, वो पब्लिक गुड्स की मान लो ओ से लेके पी तक, वो पब्लिक गुड्स की ओपी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, वो पब्लिक ओपी नहीं, मान लो उसको मैंने ओक्यू बोल दिया, ओक्यू बोल दिया, मान लो वो पब्लिक गुड्स की ओक्यू क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है। अब मेरे क्वेश्चन को जी ये यहाँ पे क्या, सॉरी पब्लिक गुड्स, ये क्या है पब्लिक गुड्स, अब बताओ अगर ए पब्लिक गुड्स की ओक्यू मात्रा कंज्यूम कर रहा है, अगर ए पब्लिक गुड्स की ओक्यू मात्रा कंज्यूम कर रहा है तो बी भी कितनी मात्रा कंज्यूम कर रहा होगा? ऑब्वियस ही बात है जो बी है वो बी भी पब्लिक गुड्स की ओक्यू मात्रा ही कंज्यूम कर रहा होगा मेरे भाई, क्योंकि जितनी पब्लिक गुड्स ए के लिए अवेलेबल है सेम अमाउंट में उतनी ही बी के लिए अवेलेबल है, पब्लिक गुड्स दोनों के लिए अलग अलग अवेलेबल नहीं होती। अब मैंने बताया था पार्ट ए में आएगा पीपीसी, पार्ट बी में क्या आएगा कंज्यूमर ए की बात, और पार्ट सी में कंज्यूमर बी की बात। तो बताओ अगर कंज्यूमर ए पब्लिक गुड्स की ओक्यू मात्रा कंज्यूम कर रहा है, तो अगर मैं कंज्यूमर ए पे आ जाऊं, कंज्यूमर ए वाला पार्ट है, तो बताओ कंज्यूमर ए कितनी कंज्यूम कर रहा है, तो कंज्यूमर ए पब्लिक गुड्स की सीएम सेम क्या आ गया ऊपर से ओक्यू ओक्यू, तो कंज्यूमर ए वाला पार्ट है कंज्यूमर ए,
पब्लिक गुड्स की ओ क्यू मात्रा कंज्यूम कर रहा है, लेकिन कंज्यूमर बी कितनी कर रहा होगा? अगर देखा जाए ना, अगर देखा जाए तो कंज्यूमर बी भी जो है ये ओ क्यू मात्रा ही कंज्यूम कर रहा होगा, बिकॉज पब्लिक गुड जितनी ए के लिए अवेलेबल है उतनी ही बी के लिए भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है, जितनी अवेलेबिलिटी ए के लिए है ओ क्यू उतनी ही बी के लिए है ओ क्यू। तो पब्लिक गुड दोनों के लिए सेम है, ओ क्यू ए के लिए भी और ओ क्यू बी के लिए भी, ओ क्यू ए के लिए भी और ओ क्यू बी के लिए भी, ठीक है। अब जरा मेरी बात को सुनना बहुत ही अधिक ध्यान से। अब बात करते हैं प्राइवेट गुड्स की। अब बात कैसे करते हैं प्राइवेट गुड्स की, प्राइवेट गुड्स का कंजम्पशन कितना हो रहा है। तो अगर प्राइवेट गुड्स की बात की जाए तो प्राइवेट गुड्स हम कहाँ शो कर रहे हैं? अपने एक्स एक्सिस पे। तो जरा मेरी बात को समझो, कंज्यूमर ए जो है प्राइवेट गुड्स को यहां से लेके यहां तक, मान लो उसको मैंने बोल दिया ओ एक्स वन, कंज्यूमर ए जो है प्राइवेट गुड्स को ओ से लेके एक्स वन तक कंज्यूम कर रहा है। अब जो मैं चीज बनाऊंगा उसको बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करना बेटा। इस ओ क्यू वाले पॉइंट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमारा कंज्यूमर ए केवल यहां से लेके यहां तक ही तो गुड्स कंज्यूम कर रहा है। ये जो इसके बाद जो यहां से लेके यहां तक, ये वेट ए मिनट, हाँ भाई ये चीज देखो, ये जो इतनी गुड्स बच गई भाई, पीपीसी कैसे करता है ओवरऑल प्रोडक्शन इतना हुआ। कंज्यूमर ए ने एक मिनट रुकना, मैं एक ऐड कर दूं हाइलाइटर। यहां देखो भाई, कंज्यूमर ए ने इतनी गुड्स कंज्यूम करी है ना, जबकि प्रोडक्शन तो पीपीसी के अनुसार यहां तक हुआ है, प्रोडक्शन तो इतना हुआ है, कंज्यूमर ए ने प्राइवेट गुड्स इतनी प्रोड्यूस करी। देखो ना, ये वाला पोर्शन क्या शो कर रहा है, प्राइवेट गुड्स, और ये वाला पोर्शन पब्लिक गुड्स तो इतनी कंज्यूम करिए ए ने भी और बी ने भी, पब्लिक गुड्स तो ए ने भी इतनी कंज्यूम करी है और बी ने भी इतनी कंज्यूम करी है। लेकिन प्राइवेट गुड्स की बात करें तो प्राइवेट गुड्स में क्या होता है, अगर ए कंज्यूम करेगा तो बी के लिए कम पड़ेगी और अगर बी कंज्यूम करेगा तो ए के लिए कम पड़ेगी। प्राइवेट गुड्स में ऐसा नहीं होता कि वस्तु दोनों के लिए बराबर अवेलेबल है। तो अगर देखा जाए, अब मैं इस वाले उसकी बात कर रहा हूं, मैं वर्टिकल का शो कर रहा है जी, वर्टिकल एक्सिस शो कर रहा है प्राइवेट गुड्स और हॉरिजॉन्टल का शो कर रहा है पब्लिक गुड्स। अब मैं वर्टिकल एक्सिस की बात करूं तो उस वर्टिकल एक्सिस के अनुसार यहां से लेके, आप ऐसे बोलो ओ एक्स वन बोल लो कि यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये वाला पॉइंट ए का है ना, कौन सा कर्व है ये, ए पॉइंट ए का है। तो यहां से लेके यहां तक कंज्यूम करी ए ने प्राइवेट गुड्स, इट मींस इतनी प्राइवेट गुड्स कंज्यूम करी ए ने, तो जो इतनी बच गई एक्स्ट्रा, जो इतनी प्राइवेट गुड्स ये जो बच गई आपकी एक्स्ट्रा, ये हरी वाली, ये कौन कंज्यूम कर रहा होगा? ऑब्वियस ही बात है, इतनी अगर कंज्यूम कर रहा है ए और टोटल प्रोडक्शन इतना हुआ है, इतनी कौन कंज्यूम करेगा? बी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 100 कि टोटल प्रोडक्शन हुआ 100 गुड्स का, इस वाले पॉइंट पर कंज्यूमर ए ने कितनी यूज करी? 70। तो कंज्यूमर ए अगर प्राइवेट गुड्स यहाँ से लेके यहाँ तक 70 प्रोड्यूस कर रहा है और बन कितनी है 100, तो बीच की बची हुई 30 कौन कर रहा होगा? जब देश में दो कंज्यूमर है तो बीच की बची हुई 30 केवल और केवल कौन कर रहा होगा? बी कंज्यूम कर रहा होगा। ये 100 और 70 को हटा रहा हूं मैं, और मान लो इस वाले पॉइंट को मैंने नाम दिया 3। इस वाले पॉइंट को नाम क्या दिया मैंने? 3, ठीक है। तो इतनी प्राइवेट गुड्स कंज्यूम कौन कर रहा है बताओ, इतनी प्राइवेट गुड्स को कंज्यूम करा जा रहा है बी द्वारा। तो अगर मैं बी के डायग्राम पे आऊं तो बी पब्लिक गुड्स कंज्यूम कर रहा है इतनी और प्राइवेट गुड्स कितनी कंज्यूम कर रहा है, तो ये वाला गैप मापना पड़ेगा। जितना गैप ये
इतनी गुड्स कौन कंज्यूम कर रहा है, इतनी गुड्स कौन कंज्यूम कर रहा है, इतनी गुड्स कंज्यूम कर रहा है बी। जितना गैप ये, तो इस गैप को सेम रहने दूंगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी गुड्स कौन कंज्यूम कर रहा है, बी। तो ये आ गया आपका बी का पॉइंट। तो इसका मतलब ये हो गया बी पब्लिक गुड्स यहाँ से लेके यहाँ तक कंज्यूम कर रहा है इतनी, और प्राइवेट गुड्स यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इतनी प्राइवेट गुड्स जो बच गई, इतनी बच गई ना, इतनी तो कंज्यूम करी ए ने, इतनी बच गई, ये कंज्यूम करेगा बी। अब इसको बी में शो करना पड़ेगा, तो बी में इसको इतना मैंने शो कर दिया कि इतनी कौन कंज्यूम कर रहा है, इतनी कंज्यूम कर रहा है बी। मान लो इसको नाम दे दिया मैंने, क्या इसको नाम दिया मैंने पॉइंट फोर, ठीक है। वो मैं कुछ भी नाम, आप कुछ भी नाम दे दो, मैं तो 2, 3, 4 गिनती दे रहा हूँ, आप ए बी सी डी कुछ भी नाम दे दो। चलो इतनी बात समझ में आ गई। देखो ये बेसिक चीज है, थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा ये डायग्राम बन कैसा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो जो हमारा कंज्यूमर ए है, वो टू से हटके बेटा मान लो इस वाले पॉइंट पे आ गया। अब देखो वो टू पर है या फिर किसी और पॉइंट पर है, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, कोई इंडिफरेंस कर पे बनने वाले सभी पॉइंट सेम होते हैं। तो वो टू पर है या थ्री पे या अगले पॉइंट पे, कोई फर्क पड़ता नहीं है। मान लो इस पॉइंट को नाम दिया मैंने क्या, फाइव। इस पॉइंट को नाम मैंने क्या दिया फाइव। अब बताओ इस फाइव पॉइंट पे आपने क्या ऑब्जर्व किया। इस फाइव पॉइंट पे हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो पब्लिक गुड्स है वो कितनी कंज्यूम कर रहा है। तो इस फिफ्थ पॉइंट पर अगर आप देखेंगे, तो इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ मिलाऊंगा एक बार ऐसे, और इस वाले पॉइंट को मिलाऊंगा यहाँ पे एक बार ऐसे, ठीक है। इसको मान लो मैंने बोल दिया एक्स टू। अब ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये वाला पॉइंट शो कर रहा है बड़ा, मान लो यहाँ लिखा मैंने आर, यहाँ लिख दिया बड़ा मान लो मैंने आर। अब ये वाला पॉइंट शो कर रहा है कि इस पांचवें पॉइंट पर जो पब्लिक गुड्स है वो ओ से लेके आर तक कंज्यूम की जा रही है, और जो प्राइवेट गुड्स है वो ओ से लेके एक्स टू तक। इट मीन्स क्या, इतनी क्या है पब्लिक गुड्स, इतनी क्या है प्राइवेट गुड्स। अब अगर ए ओ से लेके आर तक पब्लिक गुड्स कंज्यूम करेगा, तो बी भी कितनी करेगा, बी भी ओ से लेके आर तक ही तो करेगा, क्योंकि पब्लिक गुड्स जितनी अवेलेबल ए के लिए है उतनी ही अवेलेबल बी के लिए है। तो ओ से लेके आर तक अगर कंज्यूम करेगा ए, तो ओ से लेके आर तक कंज्यूम करेगा बी। तो इस वाले पॉइंट को थोड़ा हम लोग जो है नीचे तक लेके जाते हैं, ठीक है। ये लीजिए, तो यहां पे लिखा मैंने ये ओ आर ए के लिए, कि ए पब्लिक गुड्स की ओ आर कंज्यूम कर रहा है, और बी भी अब पब्लिक गुड्स की ओ आर कंज्यूम करेगा, बिकॉज पब्लिक गुड्स दोनों में सेम अमाउंट में ही अवेलेबल होती है, ना एक पे ज्यादा ना एक पे कम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आई। अब बात करते हैं प्राइवेट गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन की। अब मेरी बात को जरा समझने का प्रयास करना। देखो भाई, अब बताओ ए प्राइवेट गुड्स कितनी कंज्यूम कर रहा है। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, यहां से लेके यहां तक क्या कर रहा है प्राइवेट गुड्स, या फिर यहां से लेके यहां तक ए ने क्या कंज्यूम करी प्राइवेट गुड्स। अब प्रोडक्शन तो आपका इतना हो रहा है यहां से लेके यहां तक, ओवरऑल प्रोडक्शन देखा जाए तो ओवरऑल प्रोडक्शन आपका यहां से लेके ऐसे यहां तक हो रहा है। ओवरऑल प्रोडक्शन तो आपका इतना हो रहा है, इतनी वस्तु बन रही है जिसमें से कि इतनी प्राइवेट गुड्स कौन कंज्यूम कर रहा है ए। तो अगर यहां से लेके यहां तक प्राइवेट गुड्स ए कंज्यूम कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक जो बच गई, ये जो आपका पोर्शन बच गया, ये बताओ ये प्राइवेट गुड्स कौन कंज्यूम कर रहा होगा। ये जो हमारा पोर्शन बच गया, इस प्राइवेट गुड्स को बी द्वारा कंज्यूम किया जा रहा होगा। पहले वाले केस में ए के पास इतनी प्राइवेट गुड्स थी और बी के पास इतनी थी, इस वाले केस में ए के पास इतनी प्राइवेट गुड्स है तो बी के पास बची इतनी। पब्लिक गुड्स दोनों के पास सेम है, बट प्राइवेट गुड्स दोनों के पास सेम नहीं है। अब इस गैप को, जितना ये गैप आया बी के लिए, इस वाले पोर्शन को मेरे को बी पर प्लॉट करना होगा। तो ये गैप सेम रहेगा और यही गैप सेम रहेगा, और ये गैप हम जो है
बी के लिए बना देंगे। तो इस बार बी जो है ये वाला गैप देखो, ये जितना ये प्राइवेट गुड्स अवेलेबल बी के लिए, तो इतना ही गैप, इतना ही सेम गैप हम बी को प्रोवाइड कराएंगे। तो मान लो बी के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइवेट गुड्स अवेलेबल है। बात करूँ पब्लिक गुड्स की, तो पब्लिक गुड्स इतनी है और प्राइवेट गुड्स यहाँ से लेके यहाँ तक, आप ऐसे बोल लो, ठीक है। आप चाहो तो वही ग्रीन चीज़ को यहाँ प्लॉट कर दो कि प्राइवेट गुड्स बी के लिए पहले इतनी बची थी और अब प्राइवेट गुड्स बी के लिए थोड़ी ज़्यादा बची है, ठीक है। वही वाला गैप जो है मैं सेम नीचे लेके आ गया, ठीक है। तो पब्लिक गुड्स पहले इतनी थी, पहले वाले केस में इतनी पब्लिक थी इतनी प्राइवेट थी, दूसरे वाले केस में इतनी पब्लिक गुड्स बी के लिए इतनी प्राइवेट गुड्स बी के लिए। चलो मेरे को ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा हम और आगे बढ़े और मान लो अब कंज्यूमर ए इस वाले पॉइंट पर आ गया। अब कंज्यूमर ए इस वाले पॉइंट पर आ गया, पहले मैं नेमिंग कर दूं। इसको मान लो मैंने नाम दिया 6, इसको मान लो मैंने नाम दिया 7, मैं गिनती चल रहा हूँ, देखा ना 2, 3, 4, फिर ये 5, 6 और फिर ये 7, और 7 के बाद बेटा मान लो इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया 8, इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया मान लो 8, इसको मैंने बोल दिया 8, ठीक है। चलिए अब जरा समझने का प्रयास करना इस 8वें वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, ठीक है। चलो देखो भाई, बेटा मान लो अब इस 8वें वाले पॉइंट पे पहले बात करते हैं पब्लिक गुड्स की, फिर बात करते हैं प्राइवेट गुड्स की। इस 8वें वाले पॉइंट पे अगर मैं थोड़ा नीचे आऊँ तो मान लो इसको मैंने बोला एस, क्या बोला इसको मैंने एस। अब अगर मैं इस एस की बात करूँ, अगर मैं इस एस की बात करूँ तो बताओ इस एस पर, इस 8वें पॉइंट पर पब्लिक गुड्स कितनी है उस लेके एस तक। इस 8वें पॉइंट पर अगर मैं नीचे लाऊं तो कौन सी गुड्स, पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स कितनी है ओ से लेके एस तक। अब जितनी पब्लिक गुड्स ओ से लेके एस तक ए के लिए है, उतनी ही पब्लिक गुड्स ओ से लेके एस तक बी के लिए भी होनी चाहिए। तो इसको मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को मैं बिल्कुल नीचे लेके आऊँगा, ठीक है। लिख दिया मैंने ओ एस, यहाँ लिखा मैंने ओ एस कि ओ एस ए के लिए भी और ओ एस इस बी के लिए भी। तो बी के लिए भी कितनी है हमारी ओ एस, पब्लिक गुड दोनों के लिए सेम है। अब बात करते हैं प्राइवेट गुड्स की, बात करते हैं प्राइवेट गुड्स की। तो इस वाले पॉइंट को ये लो जी, मैं ऐसे लेके आ गया, इसको मैंने बोल दिया एक्स थ्री। अब बात अगर करूँ प्राइवेट गुड्स की तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ए वाला पॉइंट है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लो, यहाँ से लेके यहाँ तक ए ने कंज्यूम करा, ए का पॉइंट ना, ए का पॉइंट एक ये है एक ये है, तो इतनी प्राइवेट गुड्स, आप ये बोलो इतना या फिर ये बोलो इतना, इतनी प्राइवेट गुड्स किसने यूज़ करी, ए ने। प्रोडक्शन कितना हुआ जी, देखा जाए तो प्रोडक्शन यहाँ तक हुआ बस, और ए ने ही सारा कंज्यूम कर लिया, कुछ गैप बचा, कुछ गैप छूटा, कुछ गैप बचा ही नहीं, कुछ गैप छूटा ही नहीं। इट मीन्स क्या, क्या बी के लिए प्राइवेट गुड्स बची, जी नहीं, बी के लिए प्राइवेट गुड्स बची ही नहीं, क्योंकि इतनी गुड्स सारी की सारी प्राइवेट ए ने कंज्यूम कर ली। देखो यहाँ पे गैप बच रहा है, यहाँ पे ए ने कंज्यूम करी अपने केवल डायग्राम तक, ए ने केवल अपने डायग्राम तक, केवल इस वाले पॉइंट तक कंज्यूम करी, बच गई बी ने। ए ने केवल इस वाले पॉइंट तक कंज्यूम करा, बच गया बी ने। ए ने अगेन केवल इस वाले पॉइंट तक कंज्यूम करा, अपने पॉइंट तक कंज्यूम करा, लेकिन इस बार बी के लिए कुछ नहीं बचा, बिकॉज जितना प्रोडक्शन हुआ वो सारा ए ने कंज्यूम कर लिया। इस वाले पॉइंट पर बी के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर बी के लिए प्राइवेट गुड्स क्या हो गई, जीरो। तो पब्लिक गुड्स तो बी के लिए ओ से लेके एस तक है, लेकिन इस ओ एस पर प्राइवेट गुड्स कितनी है, जीरो। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट बनाऊँ तो पब्लिक गुड्स का जो पॉइंट अब आएगा वो यहाँ पे आएगा कि बी के लिए जो प्राइवेट गुड्स बची, सॉरी प्राइवेट गुड्स का जो पॉइंट आएगा यहाँ पे आएगा बी के लिए, इस बार जो प्राइवेट गुड्स बची वो क्या बची, जीरो। तो ये और जीरो वाला पॉइंट शो यहाँ पे होगा, तो बी के लिए इस बार जीरो बची, जीरो मतलब क्या, बिल्कुल जीरो। इसको मान लो नाम दे दिया मैंने 9, तो मेरा क्या आ गया जी, ये आ गया मेरा पॉइंट नंबर 9। बी के लिए कोई भी प्राइवेट गुड्स नहीं बची, तो पॉइंट आ गया यहाँ पे बिल्कुल जीरो।
चलो अब बस एक पॉइंट अब और देख लो ताकि डायग्राम हम पूरा अच्छे से कंप्लीट कर सके। बेटा मान लो अब जो कंज्यूमर ए है वो इस वाले पॉइंट पे आ गया और इस वाले पॉइंट को नाम दिया वन, इस वाले पॉइंट को नाम दिया वन। अब जरा इस वाले पॉइंट की डिटेल में एक बार स्टडी करके देखे और समझना चाहे तो जरा एक बार देखो इस वाले पॉइंट पर पब्लिक गुड्स कितनी है। तो इस वाले पॉइंट को मैं नीचे लेके आऊंगा, लीजिए ये, और इस वाले पॉइंट पर बेटा यहां लिखा मान लो मैंने पी। तो पॉइंट वन पे पब्लिक गुड्स कितनी है जी पी। इट मींस क्या, इस पॉइंट वन पर ए ए ए केवल ओ से लेके पी तक पब्लिक गुड्स कंज्यूम कर रहा है। तो अगर ए ओ से लेके पी तक कंज्यूम कर रहा है तो बी भी तो ओ से लेके पी तक कंज्यूम करेगा क्योंकि पब्लिक गुड्स दोनों के लिए सेम होती है। तो ए के लिए भी ओ से लेके पी तक और बी के लिए भी ओ से लेके पी तक। लेकिन अगर आप बात करें प्राइवेट गुड्स की तो ये आपका क्या आ गया जी, ये वाला आपका पॉइंट मान लो उसको मैंने बोल दिया एक्स फोर, कुछ ही बोल दो। अब देखो ए ने प्राइवेट गुड्स कितनी कंज्यूम करी, ए का पॉइंट यहाँ तक है। तो देखो ये यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके पूरा ये पूरा का पूरा ए ने यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा ए ने प्राइवेट गुड्स कंज्यूम करा। क्या कोई गैप बचा? जिस प्रकार यहाँ पर कोई गैप नहीं बचा पीपीसी और इंडिफरेंस कर्व के बीच, इसी प्रकार देखो ना ये आपका पीपीसी और ये आपका इंडिफरेंस कर्व और इनके बीच कोई गैप नहीं बचा। इनके बीच कोई गैप नहीं बचने का मतलब क्या है, प्राइवेट गुड्स बी को अवेलेबल नहीं हो पाई, जितनी भी प्राइवेट गुड्स थी वो ए ने कंज्यूम कर ली, बी के लिए प्राइवेट गुड्स नहीं बची। अगर बीच में गैप बचता तो वो प्राइवेट गुड्स बी के लिए अवेलेबल होती, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर बी के लिए प्राइवेट गुड्स अवेलेबल नहीं हो पाई बिकॉज बीच में कोई गैप नहीं बचा। इट मीन्स इस वाले केस में ओपी तो पब्लिक गुड्स कंज्यूम करी दोनों ने, ए ने भी ओपी बी ने भी ओपी, लेकिन ए ने प्राइवेट गुड्स कंज्यूम करी, लेकिन इस वाले केस में बी को प्राइवेट गुड्स मिली जीरो। तो ये वाला पॉइंट भी कहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट भी नीचे आएगा बिकॉज बी के लिए प्राइवेट गुड्स कैसी अवेलेबल है, बी के लिए प्राइवेट गुड्स अवेलेबल हुई जीरो। इतनी बात समझ में आ गई, ये हमारे सारे पॉइंट बन गए, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। अब मैं जरा बी के पॉइंट्स को मिलाऊं तो देखो ये कुछ इस प्रकार की जो मिलके है कुछ इस प्रकार की शेप लेगा। तो बी का जो प्रोडक्शन है पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स का दोनों कितना है वो कुछ इस शेप में आएगा। अगर मैं कहना चाहूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं, मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो ये वाला एरिया है, ये जो ये वाला एरिया है ये बचा बी के लिए, और जितना एरिया ये है उतना ही सेम एरिया ये है, जितना एरिया उसका है उतना ही सेम एरिया इसका है, जितना एरिया ये है जो बचा बी के लिए वही सेम एरिया ये है। ये है बी के पास ओवरऑल प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन। अब हम चाहते हैं बी के, अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं बी के सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना, और सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए इंडिफरेंस कर्व का टेंजेंट होना आवश्यक है। तो यहाँ क्या बनाएंगे, अब यहाँ बनेगा बी का एक इंडिफरेंस कर्व। क्या बनेगा जी, यहाँ बनेगा, इसको लेता हूँ मान लो मैं ग्रीन कलर से, यहाँ क्या बनेगा जी, यहाँ बनेगा एक इंडिफरेंस कर्व ऑफ बी। और मान लो मैंने जो है बी का इंडिफरेंस कर्व कुछ इस प्रकार बनाया आई सी बी, और बताओ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलती है जी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वहाँ मिलती है जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व प्रोडक्शन के साथ क्या होता है, टेंजेंट होता है। और इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर क्या हो गया, इस वाले पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व अपनी प्रोडक्शन के साथ टेंजेंट हो गया, और ये हो गया क्या, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल फॉर बी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बी है, इस वाले पॉइंट को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो इसका मतलब ये हो गया जो बी है वो पब्लिक गुड्स कंज्यूम करेगा इतनी और प्राइवेट गुड्स कंज्यूम करेगा इतनी, तब जाकर भी अपने
मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लेवल पे आएगा। इस वाले पॉइंट के अनुसार अगर इसको नीचे लेके आऊँ तो पब्लिक गुड्स कंज्यूम करेगा इतनी, इसको मान लो मैंने बोल दिया जी स्टार, क्योंकि जी मानेगा पब्लिक गुड्स, और इसको माना मैंने बोल दिया एक्स स्टार। तो उसका मतलब ये कि अगर भी जी स्टार की पब्लिक गुड्स और एक्स स्टार की प्राइवेट गुड्स कंज्यूम करेगा तब भी अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लेवल पर पहुंच जाएगा। तो कुछ इस तरीके से पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के माध्यम से हम एफिशिएंसी लेवल को प्राप्त करते हैं, जहां पर हमने ए को कांस्टेंट रख के बी के मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को बढ़ाया, जहां पर ए को बोला कि तुम्हारी सेटिस्फैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, हम बी की सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, और इस तरीके से हमने जो है किया। होपफुली डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताओ अगर आपको डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो पॉज करके, ये लीजिए वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हो गया, इतनी बात समझ में आई तो मेरे ख्याल से ये डायग्राम आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसको मैथमेटिकली किस प्रकार प्रेजेंट करना है, इसकी कंडीशन को मैथमेटिकली किस प्रकार लिखेंगे, तो वो आपको मैं इसी के थ्रू समझाता हूँ, इसी डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आएगा। एक बात बताओ, ये जो हमारा पीपीसी है, पीपीसी का स्लोप क्या होता है जी? पीपीसी का स्लोप होता है MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां लिखा मान लो मैंने MRT GX, GX माने क्या? G माने आपकी पब्लिक गुड्स, X माने प्राइवेट गुड्स, तो पब्लिक और प्राइवेट गुड्स का MRT GX। अब यहां हम बात कर रहे हैं B की, तो बताओ अगर मेरे को निकालना है B का कितना कंजम्पशन है, B की कितनी सेटिस्फैक्शन है, और अगर बात कर रहे हैं B की तो B के लिए और A के लिए हमने यूज किया है इंडिफरेंस कर्व, और इनडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है? MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अगर मेरे को निकालना है बी को कितनी सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, तो किस प्रकार निकालूंगा? जिस प्रकार डायग्राम में किया मैंने, क्या डायग्राम क्या किया, इस डायग्राम में मैंने पीपीसी में से जितना प्रोडक्शन ए ने किया उसको माइनस कर दिया। ये मेरा पूरा पीपीसी है, ये इनडिफरेंस कर्व ऑफ ए है, तो पीपीसी में से मैंने ए के प्रोडक्शन को माइनस कर दिया, तो जो प्रोडक्शन बचा ये किसके लिए बचा? बी के लिए बचा ना। तो अगर मैं ऐसे बोलूं, देखो अगर मैं इसको रफली बोलूं कि अगर मैं पीपीसी में से माइनस कर दूं ICA, इनडिफरेंस कर्व ऑफ ए, तो जो प्रोडक्शन बचेगा किसके लिए बचेगा? वो बचेगा बी के लिए, ICB। अगर मैं ओवरऑल प्रोडक्शन में से ए का माइनस कर दूं तो बी के लिए बचेगा ना। तो इस चीज को ही मैंने जो है यहाँ पे लिखा, कैसे जी? ऐसे कि MRT GX, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स में से अगर मैं माइनस कर दूं क्या MRS GX किसका? ए का। अगर मैं ए का MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन माइनस कर दूं, तो मेरे पास किसका बचेगा? मेरे पास बचेगा MRX GX ऑफ बी जी, मेरे पास बी का प्रोडक्शन, बी का सेटिस्फैक्शन बचेगा। अब मैथमेटिकली देखा जाए तो अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा जी? ये बन जाएगा MRT GX इज इक्वल टू क्या बन जाएगा जी? ये बन जाएगा MRS GX ऑफ ए, ये प्लस बन गया ना प्लस, और प्लस MRS GX ऑफ बी, ऐसे बन जाएगा। MRT GX को मैं ऐसे रहन दूं, ए का और बी का अगर मैं सम करूं तो क्या बन जाएगा जी? ये बन जाएगा सिग्मा MRS GX बन जाएगा। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा ए और बी का, क्या बन जाएगा? सिग्मा MRS GX। और याद करो परीटो ऑप्टिमेलिटी की कंडीशन भी यही थी, कि MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बराबर होना चाहिए MRS ऑफ बोथ, दोनों के MRS के बराबर। पन्ने पलटो, अगर आपको लास्ट क्लास का नोट किया हो तो पन्ने पलटोगे और पन्ने पलट के आपको दिख जाएगा परीटो ऑप्टिमेलिटी की कंडीशन भी, मैंने आपको यही पढ़ाई थी। तो बताओ
आपको समझ में आया या नहीं आया, इसको नोट कर लो, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने जो है परीटो ऑप्टिमेलिटी किस प्रकार अचीव होगी, परीटो ऑप्टिमेलिटी किस प्रकार अचीव होगी, यहाँ पे मैंने आपको जो है हैंस प्रूफ शो करके दिखा दिया। तो बताइए, जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल फॉर पब्लिक गुड्स क्लियर है, वो डायग्राम क्लियर है, और डायग्राम के साथ साथ ये जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्या ये क्लियर है? जी हाँ, मेरे ख्याल से क्लियर है, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि आपको डायग्राम एक्सप्लेन कैसे करना है अपने एग्जाम में। डायग्राम समझा दिया मैंने, अब बस इसकी एक्सप्लेनेशन आपको पेपर में किस प्रकार करनी है, एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आइए यहाँ पे आ जाइए, चलिए एक बार उसको एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है, डायग्राम में पब्लिक गुड को हमने प्रेजेंट किया है जी से एक्स एक्सिस पे, और प्राइवेट गुड्स को हमने प्रेजेंट किया है एक्स से कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। डायग्राम के तीन पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अगर बात करें पार्ट ए की, तो पार्ट ए में क्या है, टी टी, टी से लेकर टी तक, याद करो ये टी टी क्या है, टी टी इज द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या फिर बीपीसी कर्व, जो शो करता है कि हमने गुड एक्स मतलब प्राइवेट गुड्स और गुड जी मतलब पब्लिक गुड्स का कितना प्रोडक्शन किया। और हमको पता है पीपीसी का स्लोप क्या होता है, तो इट हैज अ स्लोप ऑफ एम आर टी जी एक्स। पीपीसी का स्लोप क्या होता है जी, पीपीसी का स्लोप होता है एम आर टी जी एक्स। अगला बोलता है इन द पार्ट बी एंड सी, अगर पार्ट बी और सी की बात करें तो वहां पे हमने इंडिफरेंस कर्व शो करा है, किसका, इंडिविजुअल ए का और इंडिविजुअल बी का। ठीक है, आपको पता है ना कि पार्ट बी में क्या है, इंडिविजुअल ए का इंडिफरेंस कर्व, और पार्ट सी में क्या है, इंडिविजुअल बी का इंडिफरेंस कर्व। आगे बोलता है, हेयर वी अचीव द परीटो ऑप्टिमेलिटी, यहां पे हमको परीटो ऑप्टिमेलिटी प्राप्त करनी है, कैसे, ए की यूटिलिटी को कॉन्स्टेंट रखेंगे और बी की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेंगे, तब जाके परीटो ऑप्टिमेलिटी को प्राप्त करेंगे। आगे बोलता है, आई सी ए इज द इंडिफरेंस कर्व ऑफ ए विच इज फिक्स्ड शोज द कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो आई सी ए है, जो आई सी ए है वो किसका आई सी है, इंडिफरेंस कर्व, ये इंडिविजुअल ए का इंडिफरेंस कर्व है जो कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट का मतलब ये है कि ना तो ये आपका आगे जाएगा और ना तो ये आपका पीछे आएगा, कि आई सी ए यहाँ पे आपका फिक्स रहेगा, ना तो आगे बढ़ेगा ना पीछे की ओर आएगा। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं वैन ए कि जब ए कंज्यूम करता है ओ पी ऑफ गुड जी पब्लिक गुड, इट मीन्स इस वाले केस की बात हो रही है कि जब ए ओ पी इतना कंज्यूम करता है यहाँ से लेके यहाँ तक पब्लिक गुड्स का, तो ऑब्वियस ही बात है अगर ए ओ पी कंज्यूम करेगा तो बी भी पब्लिक गुड्स का ओपी ही कंज्यूम करेगा। तो बोलता है कि जब ए कंज्यूम करता है ओपी, तो इस केस में ए विल कंज्यूम पी वन ऑफ गुड एक्स प्राइवेट गुड। अब मेरी बात समझो, जब ए की बात कर रहा हूं, ए की, जब ए ओपी कंज्यूम कर रहा है पब्लिक गुड्स का, तो प्राइवेट गुड्स कितने कंज्यूम कर रहा है, तो पी से लेके वन तक, इसको मैंने बोला पी वन, पी से लेके वन तक, क्या बोला मैंने, पी वन। तो पहले वाले पॉइंट में ओपी पब्लिक गुड्स कंज्यूम कर रहा है और पी से लेके वन तक प्राइवेट गुड्स कंज्यूम कर रहा है। मैं पी वन के स्थान पर ऐसे भी बोल सकता हूं ओ से लेके एक्स फोर तक, ओ से लेके एक्स फोर तक वो प्राइवेट गुड्स कंज्यूम कर रहा है। लेकिन इस वाले केस में देखा जाए तो ओपी बी के लिए अवेलेबल है, पब्लिक गुड्स तो ओपी बी के लिए भी है, लेकिन इस वाले केस में देखा जाए नीचे आके तो बी के लिए प्राइवेट गुड्स कुछ भी नहीं बची, बिकॉज प्राइवेट गुड्स सारी की सारी यहाँ पर ए ने कंज्यूम कर ली, तो बी के लिए नहीं बची। वही बात यहाँ पे लिखी है कि यहाँ पे जो बी है वो गुड जी या पब्लिक गुड्स का ओपी तो कंज्यूम करेगा जितना ए ने कंज्यूम किया, बट यहाँ पे गुड एक्स का मतलब प्राइवेट गुड का बी कुछ भी नथिंग कुछ भी कंज्यूम नहीं कर पाएगा, बिकॉज बी के लिए प्राइवेट गुड्स नहीं बची। सिमिलरली जब ए कंज्यूम करेगा ओ क्यू ऑफ पब्लिक गुड, तो देखो अब बात करते अगेन ए की,
अब ए ने कंज्यूम करा ओ से लेके क्यू तक पब्लिक गुड, तो अगर ए ओ क्यू तक पब्लिक गुड्स कंज्यूम करेगा तो ऑब्वियसली बात है बी भी ओ क्यू तक पब्लिक गुड्स कंज्यूम करेगा, दोनों के लिए पब्लिक गुड सेम है। लेकिन बात करें प्राइवेट गुड्स की, तो ए इस वाले केस में क्यू से लेके टू तक प्राइवेट गुड्स कंज्यूम करेगा, और बी जो पार्ट बच गया ये रिमेनिंग पोर्शन बी कंज्यूम करेगा। रिमेनिंग पोर्शन कैसे, रिमेनिंग पोर्शन को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मैं इस Q3 में से अगर मैं Q2 घटा दूं जो रिमेनिंग पोर्शन है वो बचेगा बी के लिए, और बी इतनी प्राइवेट गुड्स कंज्यूम करेगा जो कि मैंने इस डायग्राम में 0.4 से दर्शाई है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि अगर ए पब्लिक गुड्स की ओ क्यू कंज्यूम करता है देन ही विल कंज्यूम Q2 ऑफ प्राइवेट गुड्स। तो प्राइवेट गुड्स की जो ए है वो प्राइवेट गुड्स की क्यू से लेकर टू तक कंज्यूम करेगा। बात करूं बी की, तो बी भी सेम पब्लिक गुड्स तो ओ क्यू कंज्यूम करेगा, लेकिन Q3 में से Q2 माइनस करूं तो जो रिमेनिंग बचेगा वो प्राइवेट गुड्स बी कंज्यूम करेगा। कैसे जी, ऐसे अगर मैं Q3 में से Q2 माइनस कर दूं तो जो ये वाला पोर्शन बच, ये वाला जो बच गया पोर्शन, ये वाला बचा हुआ पोर्शन कौन कंज्यूम करेगा जी, ये वाला बचा हुआ पोर्शन बी कंज्यूम करेगा, जिसको मैंने पार्ट सी में क्यू से लेके फोर तक Q4 से दर्शाया है। क्यू से लेके फोर तक क्या है, प्राइवेट गुड्स फॉर बी लिखा है, इसको मैंने पार्ट सी में Q4 से दर्शाया है। इसी प्रकार सिमिलरली आप ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है, इसी प्रकार आप सिमिलरली ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग पढ़ लेंगे, इतना ये दोनों पॉइंट्स आप लोग पढ़ लेंगे। एक इसके लिए लिखा है मैंने, ये इसके लिए, और एक लिखा है मैंने इसके लिए, और ये वाला आप लोग जो है पढ़ लेंगे, ठीक है। अब सुनो, ये वाला आपको पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है व्हेन वी जॉइन ऑल द पॉइंट्स ऑफ पार्ट सी वी विल गेट अ इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व विच शोज द प्रोडक्शन फॉर बी। अगर हम पार्ट सी के इन सभी पॉइंट को जोड़ दें तो हमें इन्वर्टेड यू शेप, ये होता है सीधा यू, इसको बोलते हैं उल्टा यू बोले तो इन्वर्टेड यू, तो हमको एक इन्वर्टेड यू शेप मिलेगी, और इन्वर्टेड यू शेप क्या शो कर रही है, बी का प्रोडक्शन। अब आगे बोलता है नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वेलफेयर या फिर सेटिस्फेक्शन फॉर बी। अब बी के मैक्सिमम वेलफेयर या सेटिस्फेक्शन को ढूंढना है, एंड वी नो, हम जानते हैं कि मैक्सिमम वेलफेयर या सेटिस्फेक्शन वहां पर अचीव होता है जब इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, टेंजेंट हो जाएगा इस यू शेप के। जब इंडिफरेंस कर्व और यू शेप आपस में टेंजेंट हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए इंडिफरेंस कर्व का टेंजेंट होना आवश्यक है, तो जब इंडिफरेंस कर्व और यू शेप आपस में टेंजेंट हो जाएंगे तो जिस भी पॉइंट पर टेंजेंट हो गए वो क्या होगा, वो होगा बी का मैक्सिमम वेलफेयर पॉइंट, एंड इट इज टेंजेंट एट पॉइंट इसका नाम कुछ और रखते हैं हम लोग, क्योंकि 7 तो मेरा ये वाला पॉइंट है ना, इसका नाम रख दिया बेटा, मान लो मैंने ई स्टार, ठीक है, ये लो ई स्टार, ठीक है ई स्टार। तो क्या बोला मैंने, यहां पे 7 नहीं, यहां पे क्या आएगा ई स्टार, तो ई स्टार पर क्या होगा, इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट हो जाएगा यू शेप कर्व के, और वो क्या होगा, वो होगा बी का मैक्सिमम वेलफेयर पॉइंट या फिर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट, ठीक है। और यह हमने डायग्राम पढ़ लिया पूरा। इसके बाद बात करें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो याद रखना अगर हम प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं और वहां पे परीटो ऑप्टिमैलिटी चाहिए, तो उसकी कंडीशन होती है सिग्मा एम आर एस बराबर एम आर टी। आप यहां जी एक्स बोल दो कि एम आर टी जी एक्स, इसके इक्वल होना चाहिए सिग्मा एम आर एस जी एक्स के बराबर, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको लिख के प्रूफ करके बताया। समझ में आपको आ गया, तो ये आप नोट कर सकते हो। तो होपफुली वीडियो बनने में टाइम लग गया, वीडियो लंबी बन गई, बट होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स जब दोनों को एक साथ प्रोवाइड करते हैं
तो किस प्रकार जनरल इक्विलिब्रियम को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में एक वीडियो और आएगी जहाँ पे प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स की एफिशिएंसी दोनों को अलग अलग बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।